क्षेत्रवंशी सूर्यपुर प्रखंड क्षेत्र के अनुआ पंचायत के मुखिया सह मुखिया प्रत्याशी के पक्ष में ग्रामीण जनता ने चलाया जनसंपर्क अभियान। आप देख रहे हैं नारायण भारत, मैं हूं आपके साथ रंजन कुमार। अभी हम पहुंचे हैं अरवल जिले के सोनभद्रवंशी सूर्यपुर प्रखंड क्षेत्र के अनुआ पंचायत में। यहाँ हमारे साथ इस गाँव के लोग हैं, इनसे हम जानेंगे कि जो 5 साल का कार्यकाल रहा कैसा रहा और किस मुद्दे पर लोग अपना मतदान करेंगे, क्या सोचे हैं। सर नाम क्या है? मनोज कुमार। इस बार पंचायत चुनाव है, बिहार में पहला बार ऐसा चुनाव है जो कि इस बार पंचायती चुनाव ईवीएम के द्वारा किया जा रहा है। इस बार क्या सोचकर आप लोग मतदान करिएगा? हम लोग जो अभी वर्तमान में जो मुखिया थे उनके विकास के कार्य को देखकर हम लोग उनको मतदान करने जा रहे हैं। अभी इस बार अभी वर्तमान में अभी मुखिया कौन है? श्री उदय कुमार जी हैं, हम लोग के मुखिया उदय कुमार जी। जी जी। तो उनको जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? बहुत अच्छा कार्यकाल है, विकास चारों तरफ, विकास के एकदम धारा बहा है चारों तरफ, नली गली जितना भी देखिए चारों तरफ लगभग 99% काम हो गया है। यानी उनके कार्यकाल है उससे आप खुश हैं? बहुत खुश हैं, हम ही नहीं यहाँ के पूरा जनता जो है ना, सब जनता में खुशी का माहौल है। बिहार सरकार की महत्वपूर्ण एकांक्षी योजना चलाया जा रहा है जो नल जल में 7 निश्चय योजना के तहत है, उस कार्य पर यहाँ पर कितना प्रगति है कैसे? नल जल का कार्य भी लगभग सारे जगहों पर पूरा हो गया है। एक दो बार कहीं जिसमें बाढ़ में विवाद है, जो बाढ़ सदस्य हैं और सचिव हैं उन लोगों में पटरी नहीं खा रहा है, पट नहीं रहा है, तो जहां कहीं भी एकाध बाढ़ में कहीं काम बाधित हुआ है, बाकी सारे बाढ़ में लगभग पूरा काम नल जल का हो गया है। और लोग हैं इस गांव के हमारे साथ, इनसे भी बातचीत करेंगे आखिर कैसा रहा, क्या चाहते हैं इन लोग इस बार किस मुद्दे पर चुनाव अपना मतदान करेंगे, क्या चाहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? नाम देवचरण यादव। हाँ जी देवचरण जी, क्या है इस बार मतदान क्या सोचकर करिएगा वोटिंग? हमारा मुखिया जो उदय जी हैं जी, बहुत काम किए हैं यहाँ के, उदय जी मुखिया हैं अभी वर्तमान में। हाँ, हम लोग जनता उदय जी को वोट देंगे। क्या उनके काज कल रहा उससे क्या आप खुश हैं? बहुत खुश, हम ना सारी जनता खुश है। अच्छा, तो उसी पर मतलब उनको जो काज कल से खुश होकर आप लोग इस बार फिर मतदान करिए। हाँ फिर मतदान करेंगे। अच्छा, लोग हैं हमारे साथ इस गाँव के, उन्हीं से बात करेंगे क्या चाहते हैं। क्या नाम भैया? मेरा नाम तो कुंदन कुमार। हाँ तो कुंदन जी, मतलब क्या इस बार पंचायत चुनाव है क्या सोचकर मतदान करिएगा? बहुत बढ़िया काम किया है। अच्छा, जो मनरेगा के द्वारा बिहार सरकार की तरफ जो बेरोजगार लोग को रोजगार दिया जाता है, इसके तहत जो आप लोग के यहाँ पंचायत में रोजगार दिया गया है? हाँ, तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, सब तरह से ठीक। मतलब उनके कार्यकाल से आप ठीक? बहुत खुश। चलिए आप लोग हमारे साथ इस गांव के, आप देख सकते हैं इतना ग्रामीण जनता है, इनसे हम बातचीत करेंगे क्या चाहेंगे इनको, हम बातचीत इनके से। सर क्या नाम है? कुशवाहा। इस बार पंचायत चुनाव है क्या सोचकर मतलब मतदान करिए कैसे? अरे हम खुद जिला परिषद के उम्मीदवार हैं, इसलिए हम क्या कुछ करके बोल सकते हैं। तो आखिर तो समर्थन में किसी को होंगे ऐसा थोड़ा, आप तो पंचायत जिला परिषद के कई पंचायत में। हम तो उम्मीदवार हैं, इसलिए मनरेगा से भी काम, क्या बोलना चाहते हैं? मनरेगा के तहत रोजगार जो चल रहा है लोगों के, इसमें कैसा मतलब रोजगार मिला है बेरोजगार लोगों, क्योंकि अपने गांवों से पंचायत से लोग बाहर में जाकर। तो मनरेगा से तो काम होवे किया है, ऐसा बात थोड़ी है कि नहीं हुआ है। काम के संबंध में है, जैसे मनरेगा के तहत जो रोजगार दिया जाता है सीजन है। आर9 भारत के लिए रंजन कुमार अरवल की रिपोर्ट।